सलाम और प्रणाम। आज के ये मुलाकात में हमारे साथ है प्रोफेसर आयशा किडवाई, JNUTA की प्रेसिडेंट, जो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो आज संघर्ष 1 साल से चल रहा है उनके बारे में बातचीत आज होगी। शुक्रिया आयशा जी बात करने के लिए। 1 साल 13 महीने से संघर्ष चल रहा है JNU में, ये हायर एजुकेशन के लिए, तालीम शिक्षण के लिए और एक तरह से लोकशाही और जमहूरियत के लिए इसके माने क्या है? इसके माने ये है कि आज आज JNU है, उसके बाद हर यूनिवर्सिटी तो होगी, पर एक बहुत क्लियर मैसेज जा रहा है, साफ एक संदेश आ रहा है कि अगर गरीब पिछड़े तबके से आप हैं तो आपको शोध करने का कोई हक हाँ नहीं है। और ये जो यूनिवर्सिटी है इस देश में, और जिसमें ये जो इन ऐसे तबकों को अपने को एडमिशन दे करके उनसे वर्ल्ड क्लास रिसर्च कराती है, उसको बंद करना है। JNU में कल सुबह अनाउंसमेंट हुआ कि हमारी 1400 सीट जो हम टीचर देना चाहते थे वो घट के 200 से कम कर दी गई है। कानूनी स्तर पे इसका मतलब क्या है? JNU एक्ट के तहत बनी हुई यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो कानून ये कहता है कि एक तरह से एडमिशन होना ही चाहिए। वो कानून के तहत एकेडमिक काउंसिल ने निर्णय ले लिया 1400 सीट का। वो निर्णय को उल्टाने के लिए UGC के या गाइडलाइन को इस्तेमाल करके एडमिनिस्ट्रेशन ने 130 सीट, मतलब बहुत कम सीट कर दी। तो इसका ये भी एक मतलब निकल सकता है कि कानून को बिल्कुल नाकामयाब करने का एक काम सरकार ने किया है। ये जो देश में हर और कोनों में भी हो रहा है कि एक कानून जिससे वो डोमिनेंस कर सकते हैं, जिस तरीके से वो लोगों पे हावी होते हैं, जो उसका एक बिल्कुल बराबर का कानून है उसको उसके नीचे घुसेड़ दो। तो अभी जो हुआ है कि UGC बना 1956 में, JNU बना 1966 में। JNU का एक्ट कहता है कि आपको इन इन लोगों को आपको एडमिशन देना है, इस तरीके से देना है। और UGC का एक्ट JNU के एक्ट के बारे में बात नहीं करता है, वो कहता है कि हम जो रूल बनाएंगे वो ठीक है। तो दोनों एक बराबर एक है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार और बोलने का अधिकार उनमें से एक ज्यादा है। पर यहाँ ये हो रहा है कि एक कानून को लेकर के उसको हथौड़ा बना करके दूसरे कानूनों को खत्म किया जा रहा है। कि विश्वविद्यालय में, JNU में बच्चे जो आते हैं, गरीब से गरीब तबके से भी आते हैं, अलग अलग लोकेशन से, बम्बई दिल्ली को छोड़ के, जो एलीट कॉस्मोपॉलिटन एरियाज हैं उनको छोड़ करके, छोटे छोटे गांव नॉर्थ ईस्ट से लेके दक्षिण भारत, पूर्व भारत, मतलब वेस्टर्न इंडिया से ज़्यादा लोग आते। तो ये तबकों से जो बच्चे जब आते हैं MA और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, MPhil और PhD करने के लिए, उससे शिक्षण, तालीम और सोच विचारधारा पे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क इससे देखिए, ज्यादातर तो हम लोग सामाजिक न्याय को इस तरीके से सोचते हैं कि अन्याय का हम किसी तरह पूर्ति कर रहे हैं, पर हमारी तो एक्चुअली वो समझ तो सभी को होनी चाहिए, पर हमारी समझ थोड़ी फर्क है। इससे जो शिक्षा का जो स्तर होता है और स्पेशली शोध का जो स्तर होता है वो कहीं ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि नए सवाल, नई नई नए फैक्ट्स आते हैं जिसके ऊपर शोध किया जाता है। हमारी यूनिवर्सिटी में शायद आप जानती होंगी कि करीब 60 से 65% लोग सारे चारों कोने से आते हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की फीस बहुत कम है। हमें तो उनकी कहानियां मालूम है, वो हमारे क्लास में हर दिन सुनते हैं, कितने दिन कितने महीने पैसा इकट्ठा करके लोग दिल्ली पहुंचे। JNU से अगर 1 हफ्ता पहले पहुंचे तो पहली 200 रुपए की फीस देने के लिए कंस्ट्रक्शन में काम किया, बिल्डिंग का। और वैसे लोग हमारे यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो ये जो एक हम माहौल क्रिएट कर पाए हैं, हम नहीं कह रहे कि सब चीज परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं कि हर चीज, पर एक माहौल जिसमें ये सवाल सिर्फ रिजर्वेशन तक नहीं सीमित है, पर क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ा जाता है, उससे जुड़ जाते हैं। और एक्चुअली वो अहम सवाल, इससे हमें पूरे इंटरनेशनली हमें इतनी शोहरत मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ असली रिसर्च होती है, वो सब अब खत्म करना है। रोहित वेमुला का कांड जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ तो डायरेक्टली उसमें MHRD का रोल, मंत्रालय का रोल, वहाँ पे सिक्योरिटी का रोल हमने देखा, ABVP का साथ देने के लिए। यही सरकार इसी तरह हाथ धो के JNU के पीछे और बाकी विश्वविद्यालयों के पीछे क्यों पड़ी आपको लगता है? मुझे लगता है कि देखिए ये जो अंधविश्वास जो है, ये अंधविश्वास कैसे जाएगा सिर्फ पढ़ाई लिखाई से?
और वो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल हमारे देश में कि आप कुछ और पढ़ सकें, ये नहीं होगा। इनफैक्ट जो इनका जो साजिश है कि जो यूनिवर्सिटी जो ऐसे यूजीसी एनसीईआरटी सीबीएसई उससे वो जो एक मजोरिटेरियन माने हिंदू राष्ट्र, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा में इन लोगों ने हमेशा बहुत दिलचस्पी ली है माने अशिक्षित करने के लिए लोगों को, तो वो उसका ये यूजीसी को सीबीएसई को एनसीईआरटी को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि कोई ना पढ़ पाए। स्पेशली जो एक पुरानी विचारधारा है कि कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते थे ब्राह्मण के अलावा, औरतें तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती, हमारी यूनिवर्सिटी 60% औरत है, तो ये एक उसको रिस्ट्रिक्ट करना। और दूसरा कि रिजर्वेशन के खिलाफ स्पेशली बहुत बड़ा आरक्षण के खिलाफ एक जो बहुत बड़ा हमला हो रहा है उस हमले को यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि अब जाके 70 साल के बाद हर जगह ये रिजर्व सीट भरती हैं, तो ये तो बहुत बुरा है ना, इसको तो खत्म करना है। तो देश की जनता को कुचलने सबसे आसान तरीका है कि आप प्रवचन कर दें कि प्लास्टिक सर्जरी थी बेदा में, पर कोई आपसे पूछे कैसे आप कह सकते हैं, ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो मतलब रोहित वेमुला, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शैला रशीद, मोहित कुमार, जो भी हो, राहुल सोन पिंपले, ऐसे बच्चे बड़े होके सवाल सरकार और व्यवस्था से न करें, वही मतलब ये सरकार का उद्देश्य है। देखिए, और शिक्षा का क्या होता है, शिक्षा का तो शिक्षा एक नई दुनिया का कल्पना करना, वो सिर्फ सरकार पे नहीं होता कि इस नई दुनिया में हम कैसे समानता बढ़ाएंगे, वो सवाल अपने से भी ना पूछ पड़े। तो आज जो जेएनयू में कहीं हम जाते हैं तो हमें इतना कहते जेएनयू की टी शर्ट पहन करके कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ये सवाल जो है कि हम दुनिया कैसे बदले, कौन सी नई दुनिया हो, वही खत्म करना है कि आप अपने आप से ना पूछ पाए सवाल। आयशा जी, आपके संघर्ष में हम सब आपके साथ हैं, आपने बहुत बहादुरी दिखाई लीडरशिप में, और आप हमारे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अंधविश्वास, सवाल नहीं करने का दबाव, एक इस तरह की समाज और इस तरह की सोच विचारधारा जो महिला, औरत, पिछड़े, गरीब बच्चों के सवाल नहीं सुन सके, इस तरह की समाज की तैयारी ये सरकार करने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पे जो एक हमला सरासर 13 महीने से हो रहा है, वो सिर्फ जेएनयू पे हो रहा है हम न समझें, मगर विश्वविद्यालय और सोच विचारधारा और शोध और रिसर्च के ऊपर, सोशल साइंस की रिसर्च के ऊपर एक हमला है, इस तरह ये नागरिक सोचे, इसीलिए हमने ये आज बातचीत डॉक्टर आयशा किदवाई से की। हमारे साथ और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।